हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह सुंदर दिखे, उसका चेहरा गोरा हो और चेहरे पर रौनक हो, लेकिन सभी की चाहत पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोगों के चेहरे का रंग सांवला और काला होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में धूप के कारण कई लोगों की त्वचा काली हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण वातावरण एवं धूल मिट्टी के कारण भी चेहरे की चमक खो जाती है, साथ ही चेहरा काला पड़ने लग जाता है। गोरे होने की चाहत में अगर आप भी महंगी से महंगी क्रीम लगाते हैं तो रुक जाइए। दोस्तों, ये आपकी रंगत को गोरा तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी त्वचा को खराब जरूर कर देगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है तो आप त्वचा का कालापन दूर करने के लिए घरेलू उपाय अपना सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, खान पान का ध्यान रखें। चेहरे का रंग निखारने के लिए केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी प्रयास करना जरूरी है, और इसके लिए अच्छा खान पान भी होना चाहिए, जैसे कि विटामिन ई, मिनरल्स। अगर आपके बॉडी में सही हो तो अपने आप ही चेहरे पर ग्लो आने लगता है, और जब आप नेचुरल चीजों से बने फेस पैक लगाते हैं तो ये निखार और बढ़ जाता है। नंबर दो, शहद का इस्तेमाल। शहद ब्लीच की तरह काम करता है और साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। शहद लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे चेहरे पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ दीजिए और बाद में गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए। नंबर तीन, दही से मसाज करिए। दही भी नेचुरल ब्लीच का काम करती है। आप हाथ में थोड़ी सी दही लेकर, जो कि सिंपल दही हो, ना तो वो खट्टी हो और ना ही फ्लेवर वाली हो, आपको सिंपल दही लेनी है। थोड़ी सी हाथ में दही लेकर उसे चेहरे पर मसाज कीजिए और बाद में हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लीजिए। आपको तुरंत ही रंगत में असर दिखने लगेगा। नंबर चार, पपीते का प्रयोग करें। पपीता भी एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। पपीते का एक टुकड़ा काट लें और उसे अच्छी तरह से चेहरे पर मस लें। करीब 2 से 3 मिनट बाद अपना चेहरा धो लीजिए, आपको साफ तौर पर अंतर नजर आने लगेगा। नंबर पाँच, सांवलापन दूर करता है टमाटर। टमाटर या फिर अंगूर के रस को चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। और दोस्तों, नियमित रूप से ऐसा करने से हमारे चेहरे से सांवलापन दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।